दोस्तों आज जो फ़ोन है मेरे पास आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं माइक्रोमैक्स का एक फ़ोन है जिसका मॉडल नंबर है x809 और ये फ़ोन काफ़ी दमदार फीचर के साथ लोडेड है और आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई देगा इसका कीमत क्या है, अभी ऑनलाइन कीमत क्या है। और मैं आप लोगों को बता दूँ इसमें MRP जो दिया गया है 1999 इसका MRP है, मतलब 2000 रुपया MRP है, लेकिन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 1200 रुपये के अंदर ये फ़ोन आने वाला है और बड़ा सा स्क्रीन के साथ आने वाला है और बहुत सारा फीचर्स इसमें लोडेड है। तो इसको हम अनबॉक्स करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे फ़ोन कैसा है क्या है, लेकिन उससे पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगा, इतनी गर्मी में अपना पैसे से ये गैजेट वगैरह खरीदे, ऊपर से मेरा चैनल अभी तक कोई मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, तो फिर थोड़ा हेल्प कीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो, और अभी नए हैं मेरे चैनल पर तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करके जाएगा। तो फिर चलिए इसको खोल लेते हैं जल्दी से, इस फोन को यहाँ से सील को ब्रेक कर लेते हैं। फ़ोन काफ़ी अच्छा होने वाला है मेरे ख्याल से, मैं भी इस फोन को पहले नहीं देखा हूँ अभी, लेकिन इसको अनबॉक्स करके देखने से मालूम पड़ेगा फ़ोन कैसा है क्या है। तो इसको मैं हटा लिया यहाँ से और एक बड़ा सा बॉक्स है और इसको भी निकाल लेते हैं, यहाँ से सील को ब्रेक करना पड़ेगा। तो बहुत ही टाइट पैकिंग के साथ आ रहा है ये भाई, पैकिंग तो अच्छा है लेकिन फ़ोन कैसा है, फ़ोन भी शायद से अच्छा होने से मेरे ख्याल से बेहतर होगा। तो बहुत ही हार्ड पैकिंग है रे भाई, तो फिर देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये बॉक्स ओपन हुआ, बहुत ही हार्ड पैकिंग था, यहाँ पे बॉक्स बहुत ही अच्छे से पैकिंग हो रहा है और यहाँ पे देखिए मेड इन इंडिया का ब्रांडिंग यहाँ पे लगाया हुआ है, तो मेड इन इंडिया फ़ोन है, माइक्रोमैक्स इंडियन फ़ोन है। तो फिर जल्दी इसको निकालते हैं, अंदर का सामान क्या क्या है, तो हमें क्या क्या मिल रहा है। तो ऊपर में हमें मिल रहा है ये फ़ोन प्यारा सा पैकिंग के साथ आ रहा है, तो इसको साइड कर में रख देते हैं और अंदर में देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे ऊपर में दिया गया है एक बैटरी, और बैटरी का आप लोगों को MAH या कैपेसिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई बड़ा सा बैटरी नहीं दिया गया है, मैंने सोचा था बड़ा सा बैटरी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है 1000 mAh का एक बैटरी जो BL5C है। कोई बात नहीं, बैटरी ख़राब होने से आप लोगों को आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और यहाँ पे है मेन चार्जर, जो कोई USB वाला चार्जर नहीं है, डायरेक्ट चार्जर ही दिखाई दे रहा है। और इसका भी रेटिंग वगैरह अगर देख लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज कितना है, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है 500 mAh वाला एक चार्जर यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चार्जर का क्वालिटी ठीक ठाक है, इतना ख़राब भी नहीं कहूँगा, इतना अच्छा भी नहीं है, तो इसको भी रख देते हैं साइड में। और बाकी बॉक्स में मिल रहा है कुछ यूज़र गाइड, वारंटी कार्ड वगैरह ये सब है, जिसका हमें जरूरत पड़ने भी वाला है और नहीं भी पड़ने वाला है। और जल्दी से आप लोगों को बता दें इस फोन में क्या क्या है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है एंटी थीफ का फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है, और 21 यहाँ पे लैंग्वेज सपोर्ट करने वाला है, रीड एंड राइट कर सकते हैं, वायरलेस वाला FM रेडी है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फंक्शन, जो फोल्डर वाइज यहाँ पे आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे बंदे मुझे पूछते हैं, बहुत सारे आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि इसमें फोल्डर वाइज रिकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा इस फोन में, तो इस वाले फ़ोन में जो माइक्रोमैक्स x809 वाला जो फ़ोन है इसमें आप लोगों का फोल्डर वाइज ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है 2.8 इंच वाला स्क्रीन, वायरलेस वाला FM रेडियो तो बता ही दिया, डिजिटल कैमरा है, वीडियो म्यूजिक प्लेयर तो है, डुअल सिम ब्राइट टॉर्च और नंबर टॉक बैक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। तो फिलहाल एक सिंपल सा फ़ोन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पे है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है, लेकिन ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फंक्शन यहाँ पे नहीं है, वो अगर अवेलेबल होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता। तभी देखते हैं फ़ोन को धीरे से निकाल लेते हैं और फ़ोन का फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों को बताते हैं फ़ोन कैसा है। फ़ोन तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आप लोग देखिए फ़ोन का जो बटन वगैरह है, मुझे पहले नज़र में से मतलब दीवाना हो गया हूँ मैं, तो इसको निकाल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है, अंदर का कैसा वाला सिम लगेगा, माइक्रो सिम, नैनो सिम या वो बड़ा वाला सिम कार्ड वो लगेगा, सब भी चीज़ यहाँ पर बहुत हार्ड है भाई। वो पैकिंग इतना हार्ड था और ऊपर से ये कवर इतना हार्ड से फिटिंग है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो बड़े बड़े सिम कार्ड हम लगा सकते हैं और साथ में मेमोरी कार्ड, और बॉक्स में कोई मेमोरी कार्ड का सपोर्टेबल के बारे में नहीं मेंशन किया गया, लेकिन मेरे ख्याल से 16 GB तक का मेमोरी यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। और बैटरी को मैं प्लग कर लेता हूँ यहाँ पे सिंपली, और आप लोगों को बता दें जो फ़ोन का मेमोरी है वो 32 MB का इंटरनल मेमोरी आप लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ पे फिजिकल अवेलेबिलिटी की बात करें तो आप लोगों को नीचे के साइड में मिल जाता है microUSB चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पे मिल रहा है 3.5 mm वाला ऑडियो जैक का पोर्ट यहाँ पे मिलता है, और जो माइक्रोफोन का पोर्ट यहाँ पे दिया गया है इस तरफ, तो बात करने के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा ही क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे दिया गया है छोटा मोटा LED टॉर्च, इतना बड़ा सा टॉर्च नहीं दिया गया है, छोटा सा टॉर्च है। और यहाँ पे दिया गया है स्पीकर का ग्रिल, और ये है कैमरा। तो यहाँ पे नीचे में है माइक्रोमैक्स की ब्रांडिंग,
तो चलिए जल्दी से इस पेपर को हटा लेते हैं यहाँ पे और आप लोगों को दिखाते हैं असली चीज। तो यहाँ पे कंपनी बता रहा है 2.8 इंच वाला एक डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है, बड़ा सा डिस्प्ले है। तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स का ब्रांडिंग भी है। तो चलिए जल्दी से इसको ऑन कर लेते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं। तो माइक्रोमैक्स का लोगो यहाँ पे आ गया है, तो एनिमेशन भी यहाँ पे हो गया और यहाँ पे आ गया मेनू ये सब। तो चलिए जल्दी से इस फोन का देखने वाले से यहाँ पे होता है वाइब्रेशन वगैरह है कि नहीं तो उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद ही बाकी सामान देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे, मेरा जो सब्सक्राइबर है, आप लोग का क्वेश्चन रहता है कि वाइब्रेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कस्टमाइज पे जाके जो प्रोफाइल में जाके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। तो अलर्ट टाइप में हमें दिखाई दे रहा है रिंग ओनली, वाइब्रेशन ओनली, वाइब्रेशन एंड रिंग, तो सब कुछ है। तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, यहाँ पे वाइब्रेशन का ऑप्शन आसानी से मिल रहा है तो अच्छी बात है ये। तो फिलहाल मैं इसे रिंग में ही रख देता हूँ और अभी देखते हैं इसका साउंड कैसा है। तो एक रिंगटोन को प्ले कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले रिंगटोन वॉल्यूम से। तो ये टेलीफोन वाला म्यूजिक यहाँ पे दिया गया है। तो साउंड ठीक ठाक है, लेकिन इतना भी लाउड नहीं है, मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही हो। हाँ ये थोड़ा लाउड था, ये वाला और इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी लाउड है। तो पहला जो रिंगटोन था उससे मुझे लगा था कि ज़्यादा लाउड नहीं है, लेकिन दूसरा वाला जब प्ले किया तो मुझे पता चला कि ये बड़ा ही साउंड आप लोगों को देने वाला है। तो और बाकी सब देखने के लिए कुछ रहा नहीं, अभी कैमरा चेक कर लेते हैं। कैमरा शायद पिक्सल क्लिक हो जाए बिना मेमोरी कार्ड के, तो यहाँ पर मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। तो ये है पिक्सा की क्वालिटी, इतना खास भी नहीं है, डिजिटल कैमरा यहाँ पे मेंशन किया गया है। और आप लोगों को बता दूँ कोई मेगापिक्सल कैमरा तो यहाँ पे नहीं है, तो इस तरह का ही पिक्सा मिलने के चांसेस है। और बाकी टॉर्च देख लेते हैं, टॉर्च को प्रेस करने के लिए हमें जीरो प्रेस करना पड़ेगा, पावर ऑन हो गया अभी टॉर्च। यहाँ पे देखिए बहुत ही ब्राइट टॉर्च नहीं है, सिंपल सा टॉर्च है। और कीज की बात करें तो कीज मुझे सॉफ्ट कीज लगा, ये नंबर टॉप वाला ऑप्शन इसमें है। और आप लोगों को बता दूँ अगर आप लोगों के घर में कोई मतलब एज पीपल है उसको चलाने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, ऐसा कीज जो यहाँ पे डिज़ाइन किया गया उसके वजह से बहुत आसानी होगी। 1, 2, 3, 4 सब सेपरेट कीज यहाँ पे दिया गया है, तो बिल्कुल एक आप लोगों को अच्छा सा फील होगा। कीज वगैरह रात को प्रेस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे ख्याल से आप सेकेंडरी फोन समझ के इसको यूज़ कर सकते हो। और इस फोन की अच्छी बात बता दूँ आप लोगों को, यहाँ पे जो पावर सेविंग मोड दिया गया है, लेकिन 1000 mAh का बैटरी में आप लोगों को ज़्यादा बैटरी बैकअप की आशा करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि 1000 mAh का बैटरी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। और साथ में यहाँ पे अच्छी बात यह है बड़ा सा डिस्प्ले दे दिया गया है, तो बहुत सारा चीज़ें आसान होता है यहाँ पे यूज़ करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए। बड़ा सा डिस्प्ले है 2.8 इंच वाला, लेकिन एक बात बता दूँ डिस्प्ले बढ़ा दिया गया है, लेकिन बैटरी लगभग अगर 1450 या 1700 mAh का होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर था। बाकी फ़ोन का डिज़ाइन वगैरह सब कुछ ठीक ठाक लगा मुझे, सिंपल सा डिज़ाइन है, बड़ा वाला फ़ोन है। इसका वज़न वगैरह भी चेक करते हैं अभी एक मिनट में, तो फिर देखते हैं। लगभग 100 ग्राम तो होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 97 ग्राम का एक फ़ोन है, तो हल्का फुल्का एक फ़ोन है, ज़्यादा भारी फ़ोन नहीं है। तो मैं कहूँगा ये फ़ोन आप लोगों को यूज़ करने के लिए कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा होने से मेरे ख्याल से बेहतर रहता। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। ये जो मेरे पास फ़ोन है, ये जो January 2020 में मैन्युफैक्चर किया गया एक फ़ोन है, तो बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा नया भी नहीं कह सकते, लेकिन फ़ोन का मॉडल वगैरह सही है। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वाला जो फीचर्स है फुल लेवल वो काम आने वाला है, आप लोगों का टॉर्च वगैरह तो सही है, और बड़ा सा डिस्प्ले सही है। अगर आप लोगों को 1100-1200 रुपये के आसपास तो बहुत अच्छी बात है, ये फ़ोन आप लोग इजीली ले सकते हैं, बड़ा सा डिस्प्ले आप लोगों को मिलने वाला है। बाकी बस इतना ही आज के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, और अभी तक मेरे चैनल में नए हैं तो करके जाइएगा सब्सक्राइब। फिलहाल उसके लिए बाय बाय सबको, जय हिंद। और ये फ़ोन आप लोगों को लेना है तो ऑनलाइन ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह से या कोई ऑफलाइन मार्केट से भी आप लोग ले सकते हैं।